नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। थल मुंसारी मोटरमार्ग में बिरसी फाल के निकट एक कैटर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण सड़क की खस्ताहाल हालत को बताया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में लाखों का सामान भरा था, जो हल्द्वानी से सामान लेकर मुंसारी को जा रहा था। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र सड़क की हालत में सुधार किए जाने की मांग की है। बीते 22 मार्च को सिलथाम के निकट कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खीम सिंह बोरा के साथ मारपीट कर जेब से 8,000 रुपये निकाल लिए थे, जिसकी तहरीर खीम सिंह द्वारा 24 मार्च को थाना कोतवाली में दी गई। तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 392 में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसे विवेचना के दौरान धारा 394, 411 बादवी में तरमीम संशोधन किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को शीघ्र पकड़े जाने के लिए निर्देशित किया गया। मामले की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा टीम के साथ एक विवादित किशोर को बीते दिवस संरक्षण में लेकर न्यायालय के आदेशानुसार बाल सुधागृह अल्मोड़ा भेजा गया। अन्य दो की तलाश करते हुए आज रविवार को एक आरोपी साहिल चंद निवासी निकट रईपुर उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा एक अन्य नाबालिग को संरक्षण में लिया गया। पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम में कांस्टेबल नंदन सिंह व ध्रुव सिंह शामिल थे। गर्मी बढ़ने के साथ साथ इस साल मार्च में ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बीते दिवस झूलाघाट मार्ग में सटे बड़ाल के जंगल में आग लग गई थी। एक हेक्टेयर में आग लगी थी। बढ़ती आग को देखते हुए वन कर्मियों ने फायर सर्विस को फोन कर फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पा लिया था। आज रविवार को जिले के विभिन्न स्थानों में जंगल में आग लगने की घटना घटित हुई। हालांकि वन कर्मियों को सूचना मिलते ही वे आग पर काबू पाने के लिए स्थल पर पहुंचे थे। वनाग्नि के मद्देनजर वन कर्मियों का जागरूकता अभियान व कंट्रोल वर्डिंग कार्य भी जारी है। रविवार को गुरड़ा गाँव के डोडिन नला तोक के जंगल में किसी अज्ञात द्वारा जमा कूड़े में आग लगा दी गई, जो तेज हवा के चलते जंगल में फैल गई। जंगल में आग लगने की सूचना गांव के कमल पांडे ने बीट अधिकारी जीएस चिराल को दी। सूचना पर वनकर्मी स्थल पर उपकरणों के साथ पहुंच गए। साथ ही गांव के महिला मंगल दल की महिला व पुरुष भी आग पर काबू पाने के कार्य में जुट गए और एक घंटे के अंतर्गत फैल रही आग पर काबू पा लिया गया। शीघ्र आग पर काबू पा लेने को लेकर सरपंच मोहन चंद पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया है। इधर आठगांव सिलिंग क्षेत्र में नवोदय विद्यालय के निकट के जंगल में भी आग लगी थी और नाचनी क्षेत्र में भी जंगल में आग लगने की सूचना मिली है। इधर गुरना बीट में वन कर्मियों द्वारा कंट्रोल वार्निंग के साथ ही ग्रामीणों को जागरूक किया गया। पिथौरागढ़ के KNU रायका परिसर में आज जनमंच के संयोजक भगवान रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सरस्वती विहार कॉलोनी व आसपास के क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं व उसके निस्तारण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज को रायका परिसर से मर्धुरा स्थित भवन में स्थानांतरित करने, GIC सकोली मार्ग में क्षतिग्रस्त हुई सड़क पर डामरीकरण व सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हैंडपंपों को सुचारू करने, पेयजल की अनियमित आपूर्ति बंद करने व क्षेत्र में प्रस्तावित ओवरहेड टैंक का निर्माण करने सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई व समस्याओं के निस्तारण को लेकर आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की गई है। बैठक में हेमचंद्र उप्रेती सहित बसंत पंत, नैन सिंह रावत, पुष्कर रावत, होशियार सिंह, जनाजत तिवारी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। CMBADP योजना के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा मोनाकोट विकासखंड के छात्रों को दिया जा रहा रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण आज पांचवें दिन भी जारी रहा। निगम के प्रबंधक दिनेश गुरानी ने बताया कि छात्रों द्वारा रविवार की प्रातः सफाई अभियान भी चलाया गया। आज राफ्टिंग प्रशिक्षण के दौरान छात्रों द्वारा घाट से पंचेश्वर तक 25 किमी रिवर रन किया गया, जिसे प्रतिभागियों ने रोमांचकारी बताया। प्रशिक्षण रिवर गाइड राजेंद्र सिंह, पदम सिंह, विनोद धामी, अजय धामी, वेद प्रकाश द्वारा दिया जा रहा है। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।